हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन, श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज फिर से एक और टॉपिक उठाते हैं और उसको आज अपन क्लियर करते हैं। और आज का जो अपनों ने टॉपिक चुना है, उस टॉपिक का नाम है कोशिका, सजीव की जो मूलभूत इकाई है कोशिका, सेल। इसके बारे में अपन जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका चैप्टर। तो सबसे पहले जानते हैं अपन साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी किसको कहते हैं। तो देखना दोस्तों, एक तो आप पढ़ते हो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, वो अलग चीज़ है। अपन बात कर रहे हैं साइटोलॉजी। इस साइटोलॉजी को अपन सेल बायोलॉजी भी कहते हैं या सेल बायो भी कहते हैं। तो साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी क्या होती है? कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, आइए अपन आगे अगले शब्द पर चर्चा करते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। आपने सुन रखा होगा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। और इन्होंने कौन सी कोशिका को देखा था? तो इन्होंने सबसे पहले कर्कश ट्यूबर नाम का एक प्लांट था जिसको आप कॉर्क कहते हो, तो कॉर्क पादप की छाल के अंदर कोशिका को देखा था। इन्होंने कब देखा था कोशिका को? 1665 में देखा था। बार बार पूछा जाने वाला सवाल, ओके, 1665 में देखा था। किस में देखा था? इन्होंने कॉर्क में देखा था। कॉर्क जिसको कर्कश ट्यूबर या स्पेनिश ओक कहा जाता है, इसकी छाल में देखा था। और इसकी छाल में इसने कोशिका का कौन सा हिस्सा देखा था? तो इन्होंने कोशिका का जो हिस्सा देखा था वो था कोशिका की भित्ति यानी सेल वॉल को देखा था। तो इन्होंने कोक में देखा था, कर्कश ट्यूबर में देखा था। इसका वर्णन इन्होंने अपनी बुक में किया। उस बुक का क्या नाम था? तो इन्होंने इसका वर्णन किया माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में इसका वर्णन किया। अच्छा, इन्होंने कोशिका को देखा तो उस कोशिका को नाम क्या दिया? उन्होंने इस कोशिका को सेलुला कहा। क्या कहा? सेलुला। कोशिका जो देखी उसको सेलुला बोल दिया। आगे बढ़ जाते हैं तो आपको पता चल गया फादर ऑफ साइटोलॉजी अपन किसको कहेंगे? रॉबर्ट हुक को कहेंगे। अब बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ये किसको कहा जाता है? तो ये सीपी स्वांगसन को कहा जाता है। सीपी स्वांगसन ये एक साइंटिस्ट है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। इसके बाद अपन एक और जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी के लिए जाना जाता है डॉक्टर ए के शर्मा को। किसको जाना जाता है दोस्तों? ए के शर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर ए के शर्मा फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज सी पी स्वांगसन, एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछे तो आपको रॉबर्ट हुक बताना है। अच्छा, सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? क्योंकि अपन बोल रहे कि सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा, तो इन्होंने तो पेड़ की छाल में देखा। छाल जो होती है, इस छाल की कोशिका भित्ति को देखा, तो ये तो मृत कोशिकाएं थी। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? तो सबसे पहले जीवित कोशिका को दोस्तों ल्यूवेन होक ने देखा था। ओके, थोड़े और आगे बढ़ के चर्चा करते हैं। हाँ, यूनिसेल्युलर जो जीव होते हैं ना, जीवों को अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो होते यूनिसेल्युलर, एक होते मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, और मल्टी सेल्युलर का मतलब बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव अपन किसको कहेंगे? ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना हो, इनको अपन एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे आप याद रख सकते हो अमीबा, जैसे आप याद रख सकते हो क्लेमाइडोमोनास, जैसे आप याद रख सकते हो यीस्ट, जैसे आप याद रख सकते हो प्लाज्मोडियम। इस तरह से बहुत सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना है। अच्छा, मल्टी सेलुलर किसको कहेंगे? जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना है, इनको अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, यानी कि बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। तो बहुकोशिकीय में आप, मैं एग्जांपल तो क्या बताऊँ, खुद ही सोच रहे हो, मनुष्य बहुकोशिकीय, गाय भैंस बकरी गधा कुत्ता बहुकोशिकीय, पेड़ पौधे बहुकोशिकीय जिनको आप देख सक रहे हो। तो बहुकोशिकीय जीव बहुत सारे होते हैं, आप चाहो जो एग्जांपल यहां पर लिख सकते हो। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे अपन बात करते हैं जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? तो देखना, कोशिका जो होती है वो दो तरह से बताई जाती है। एक तो बताते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक अपन बताते हैं यूकैरियोटिक।
तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है ऐसी कोशिकाएं जो पहले विकसित हुई, इनको अपन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे, और जो कोशिकाएं बाद में विकसित हुई वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखो दोस्तों, ये ऑनलाइन क्लास है तो अपन इसमें ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, जैसे ऑफलाइन में डिटेल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अपन इतना समझ लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से बताई जाती है कि एक महाविस्फोट हुआ और सारे जो है उपग्रह ग्रह सारे बने, ये सारा ध्यान है आपको। इसके बाद पृथ्वी आग का गोला थी, कैसे ठंडी हुई, फिर बर्फ, फिर पानी, फिर भूमि कैसे बनी, ये सारा। तो इसी कार्यक्रम जब ये आयोजित हो रहा था तो एक कोशिका का विकास हुआ। तो सबसे पहले जो अस्तित्व में आए कोशिकाएं उनको अपन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। फिर धीरे धीरे इन कोशिकाओं में कुछ जो है विकास होता गया, उद्विकास होता गया, कह सकते हैं इवोल्यूशन हो गया। उस इवोल्यूशन के चलते इनमें कुछ अच्छी अच्छी बातें और आ गई, तो अब जो कोशिकाएं बनी इनको अपन यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं ना। तो पहले वाली कोशिकाएं ये प्रोकैरियोटिक, जिनको अपन कह सकते हैं आदिम कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? आदिम यानी कि प्रिमिटिव। और आधुनिक जो है, जो अभी है कोशिकाएं, जो विकसित कोशिकाएं हैं, विकसित कोशिकाएं ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो आपको पता चल गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं? ऐसे जीव जिनकी जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो प्रोकैरियोटिक जीव, और जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक जीव। तो देखो प्रोकैरियोटिक जो है ना वो एक कोशिकीय जीव ही है प्रोकैरियोटिक। इनके अंदर क्या होता है कि पहले जो कोशिकाएं बनी उनके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं था, तो केंद्रक नहीं था या फिर अल्प विकसित था। तो ये प्रोकैरियोटिक के बारे में आपको ध्यान रखना होता है कि इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, विकसित केंद्रक नहीं होता ये कह सकते हैं। क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या होता है? हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है। और अपन प्रोकैरियोटिक के अंदर देखते तो इनका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो होता है या फिर आरएनए जो होता है ये इनके अंदर पाया जाता है। तो डीएनए आरएनए तो होते हैं लेकिन सुव्यवस्थित रूप से केंद्रक नहीं होता है। ओके, क्योंकि डीएनए आरएनए किसके अंदर होते हैं? केंद्रक के अंदर होते हैं, और केंद्रक झिल्ली इनको ढक के रखती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक भी नहीं होता और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ होता है, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जबकि अपन यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है और केंद्रक विकसित केंद्रक होता है, इसके ऊपर दोहरी आवरण वाली केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो इनमें तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होगी। पहली बात तो ये हो गई केंद्रक झिल्ली होगी। और बात करें अपन तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये प्रिमिटिव है, यानी कि इनके अंदर जो कोशिकांग होंगे ये कोशिकांग विकसित नहीं होंगे। तो कोशिकांगों के ऊपर भी अपन कह सकते हैं कि झिल्ली नहीं होगी। तो यहाँ पर जो नग्न होंगे कोशिकांग झिल्ली रहित होंगे। कैसे होंगे? झिल्ली रहित कोशिकांग होंगे, झिल्ली रहित कोशिकांग किसमें? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यहाँ पर झिल्लियाँ होंगी, यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से अपन इनमें अंतर अगर देखते जाए तो बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। अपन इनको राइबोसोम के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, इनको इनके अनुवांशिक पदार्थ के पास पाए जाने वाले प्रोटीन हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसके आधार पर अलग कर सकते हैं, इनके कोशिका झिल्ली के जो अंतर वलन होते हैं किसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है या फिर किसमें मीजोसोम होता है, इस आधार पर अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन इतना डिटेल अपन इस क्लास में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो आपको बस मोटे मोटे तौर पर मैंने कुछ ही बातें बता दी। आगे बढ़ जाते हैं, इन बातों को जानने के बाद आप समझ गए होंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में ये याद रखना कि एडवांस कौन सी होती है यूकैरियोटिक और प्रिमिटिव या आदिम कौन सी होती है प्रोकैरियोटिक। आगे देखना दोस्तों, अपन बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी को कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कहा जाता है भैया सेल थ्योरी को। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत जो है ये दो साइंटिस्ट ने दिया, थियोडोर श्वान और मैथियस स्लाइडन। तो थियोडोर श्वान का मैं शॉर्ट में नाम लिख देता हूँ, श्वान और स्लाइडन ने ये सिद्धांत दिया 1938-1939 में सिद्धांत दिया गया। आगे देखना, स्लाइडन और श्वान जो थे, ये श्वान थे, ये जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? जंतु वैज्ञानिक। अगर बात करें अपन स्लाइडन की तो स्लाइडन जो थे ये पादप वैज्ञानिक थे। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा जंतु वैज्ञानिक था, कौन सा पादप वैज्ञानिक था। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया है 11th NCERT चैप्टर नंबर 8 में। एनसीईआरटी में अगर बात की जाए तो 11th NCERT चैप्टर नंबर 8 में। अगर बात की जाए आरबीएससी की तो आरबीएससी में यही बात लिखी हुई है 9th की आरबीएससी की बुक में, और चैप्टर नंबर शायद 7 हो सकता है, चैप्टर मेरे को इसका ध्यान में नहीं रहा। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों में ही ये बात कॉमन दे रखी है, तो जो कॉमन होती है वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी बनती है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखना, इन दो वैज्ञानिकों ने तो ये सिद्धांत दिया। आगे अपन बात करते हैं कि इस सिद्धांत के अलावा, इन वैज्ञानिकों के अलावा और क्या खास बात है कोशिका सिद्धांत में, क्या याद रखे कोशिका सिद्धांत होता क्या है। तो सुनना दोस्तों, कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि
इन्होंने कोशिका के बारे में जानकारी दी। इन्होंने बोला कोशिका सिद्धांत में दोनों साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने बोला कि हर जीव जो होता है वो कोशिका से बना हुआ है। तो हर जीव की मूलभूत इकाई संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है और आप हर जीव के अंदर कोशिकाएं देखोगे। तो पादप के अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो एक जैसी होगी, जंतु के अंदर की कोशिकाएं एक जैसी होगी, लेकिन पादप और जंतु की कोशिका आपस में एक जैसी नहीं होगी। आप किसी उत्तक का अध्ययन करते हो तो एक उत्तक की सारी कोशिकाएं एक जैसी होगी, लेकिन अलग अलग उत्तकों की कोशिकाएं एक जैसी नहीं होगी। जैसे आप त्वचा की कोशिका देखो तो ये डर्मिस लेयर जो है इसके अंदर आपको कोशिकाएं मिलेगी। इसके अंदर मांस होगा तो मस्कुलर जो हमारी मसल्स होगी इनमें जो एक्टिन मायोसिन तंतु होंगे इनके अंदर भी बहुत सारी सेल्स होगी। इनको अपन देखें तो ये इस त्वचा वाली कोशिका के साथ मैच नहीं होगी, अलग अलग उत्तक है तो कोशिकाएं अलग अलग। दूसरी बात, इन्होंने कोशिका सिद्धांत जो दिया इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, तो उस कमी की वजह से इस कोशिका सिद्धांत को नकार दिया गया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में सब कुछ अच्छा बताया लेकिन एक बात को ये अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए, क्या कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, इसकी कमी क्या रह गई, नई कोशिका कहाँ से आती है, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इस बात को ये नहीं बता पाए थे। कौन? ये दोनों, स्लाइडन और स्वान। तो कोशिका सिद्धांत की कमी क्या थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसा होता है, इस बात को ये कोशिका सिद्धांत नहीं समझा पाया। इसलिए क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने वापस से कोशिका सिद्धांत में कुछ ऐड करके नया कोशिका सिद्धांत दिया, उसको अपन मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी बोल सकते हैं या हिंदी में बोलेंगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है या किसने दी? मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो ने दी। किसने दी? रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। और इन्होंने क्या कहा कि जो सेल थ्योरी थी वो इस बात को नहीं समझा पा रही थी कि पुरानी जो है कोशिकाओं से नई कोशिकाएं कैसे बनती है, तो इन्होंने इसको समझा दिया। इन्होंने कैसे समझाया? इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला अर्थात पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है, या कह सकते हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो क्या बोला इन्होंने? पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, अर्थात ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और ये कथन बहुत बार पूछा गया है, अच्छे कॉम्पिटिटिव जो अच्छे लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन किसका है? रुडोल्फ विर्चो का। या फिर ये ऐसे क्वेश्चन होता है, रुडोल्फ विर्चो का कथन कौन सा है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। या फिर यह कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी क्या करती है? आंसर था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये बात भी NCERT में लिखी हुई है, NCERT में ये लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 8 में, 11th NCERT में। ओके, ध्यान रखना। आगे अपन बात करते हैं थोड़ी और, सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी हमको समझ में आ गई। तो इस सेल थ्योरी के अपवाद भी होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर ये सेल थ्योरी लागू नहीं होती, यानी कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? देखना, जैसे वायरस है तो आप वायरस के ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं कर सकते। तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, क्या है? वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, ध्यान रखना। अच्छा, और भी बहुत सारे अपवाद होते हैं वायरस के अलावा, प्रियोन्स वगैरह, विरोइड वगैरह, तो ये ध्यान रखना। लेकिन मेनली अपन वायरस के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि वायरस इसका अपवाद है, बाकी विरोइड भी इसका अपवाद है, प्रियोन्स भी इसके अपवाद है। हाँ, आगे अपन बात करते हैं सेल थ्योरी को समझने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल का संरचना कैसी होती है। तो देखना, कोशिका की संरचना को देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल का मतलब होता है कोशिका की संरचना कैसी है। देखना, कोशिका की संरचना आप देखना चाहो तो कोशिका जो होती है, आपको 3D में दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये कोशिका के बाहर एक आवरण होता है जिसको अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में कहेंगे कोशिका झिल्ली, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर कोशिकांग जैसे दिख रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे इसके अंदर ये राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर वैक्यूल या रिक्तिका दिखाई दे रही है, वैक्यूल जिसको रिक्तिका कहा जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नजर आ रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका नजर आ रही है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, ये रहा पूरा केंद्रक और इसके अंदर ये वाली केंद्रिका, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका नजर आ रही है, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, इस तरह के इसमें कोशिकांग नजर आते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आपको क्या समझ में आया होगा इसमें
में आया, जैसे सेल होती है, कोशिका होती है, तो कोशिका के बाहर सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होगी। अगर ये पादप कोशिका है तो इस कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक परत पाई जाएगी जिसको अपन कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहेंगे। ओके, तो कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, और अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली होती है अगर ये पादप कोशिका है तो। ये कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, ध्यान रखना। इसके अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, यहाँ पर इसके क्रोमोसोम वगैरह होंगे, इसके अंदर बहुत सारे, ये जो होगा इसको अपन साइटोप्लाज्म कहेंगे या कोशिका द्रव्य, हिंदी में कहेंगे कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में कहेंगे साइटोप्लाज्म। यहाँ पर साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे इसके बहुत सारे कोशिकांग होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पर राइबोसोम होंगे, और जो भी आपको नाम नजर आ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, इसके अलावा भी छूट गए, ऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइकोसोम, इस तरह के बहुत सारे कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं इनको, अब स्टार्ट होती है सेल या कोशिका। तो देखना दोस्तों, अपन को कोशिका की जो स्ट्रक्चर पढ़नी है, सेल स्ट्रक्चर पढ़नी है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, फिर पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, और फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक। सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म का मतलब कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। तो अपन इन तीन चीज़ों को पढ़ेंगे तो अपना ये सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को डिटेल से पढ़ा जाए तो इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, लेकिन अपने को उन मॉडल्स को सारी जानकारी नहीं लेनी, बस इतना ध्यान में रखो सबसे मान्य मॉडल कौन सा है कोशिका सिद्धांत को समझाने के लिए। जो सबसे मान्य मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको हिंदी में कहा जाता है तरल मोज़ेक मॉडल। ये तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, ये सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया, सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने ये तरल मोज़ेक मॉडल सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब देखना, समझना इस बात को, क्या होती है कोशिका झिल्ली। प्रोटीन लिपिड की लेयर होती है, और इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ। कोशिका झिल्ली जो होती है वो PLLP यानी कि ये तो बीच में लिपिड और बाहर प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली को आप देखते हो तो इसमें प्रोटीन की एक लेयर होती है, इस प्रोटीन की लेयर के नीचे लिपिड की लेयर, उसके नीचे वापस से लिपिड की लेयर, और उसके नीचे वापस से प्रोटीन की लेयर, इस तरीके से व्यवस्थित होती है। तो ये LL जो लिखा है लिपिड की दोहरी परत है, कैसी है, लिपिड की दोहरी परत। और यहाँ पर P का मतलब प्रोटीन की परत, प्रोटीन की परत, बाहर भी प्रोटीन की परत और अंदर की तरफ भी इस तरह से प्रोटीन होती है। तो यही चीज़ मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ, जैसे आपको ये गोल गोल से डब्बे से नज़र आ रहे हैं, तो ये तो अंदर की लेयर है, तो ये भी प्रोटीन की परत है। ओके, और यहाँ पर भी ये प्रोटीन की परत है, और बीच में जो आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा, जिसको मैं अलग कलर से दिखा दूँ, चलो ये ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूँ ये वाला, ये लिपिड की दोहरी परत है। इस परत में इस तरह से होता है, ये एक लिपिड का अणु और ये लिपिड का दूसरा अणु, इस तरह से, और इसके ऊपर प्रोटीन, इसके ऊपर प्रोटीन, इस तरह से स्ट्रक्चर है। और इनके बीच बीच में यहाँ पर ये बड़े बड़े प्रोटीन चैनल से, जहाँ पर ये बता रखा है ये प्रोटीन चैनल है, वास्तव में क्या है ये प्रोटीन चैनल, चैनल का मतलब ये रास्ता है जहाँ से विभिन्न अणु आर पार जा सकते हैं। तो इसका मतलब कोशिका से बहुत सारे अणु आर पार जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो कोशिका सभी को नहीं जाने देती, कुछ को जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती। कुल मिला के इसके अंदर जल का अणु जाना चाहता है जा सकता है, सोडियम का अणु जाना चाहता है जा सकता है, मतलब ये पदार्थों को आने जाने देती है, इसलिए इसको बोलते हैं पारगम्य है। कैसी है ये, पारगम्य। तो कोशिका झिल्ली के बारे में बात पता होनी चाहिए, ये पारगम्य होती है। दूसरी, हर कोई जाना चाहे तो हर किसी को नहीं जाने देती, उसी को जाने देती है जिसकी जरूरत होती है, यानी चयन करने में सक्षम है। तू जाएगा, तू नहीं जाएगा, तू जाएगा, तेरी कमी है, इस तरह से। तो ये चयन करने में सक्षम है, तो कोशिका झिल्ली होती है ये चयनात्मक होती है। कैसी होती है, चयनात्मक। अब देखना दोस्तों, पारगम्य आप समझ के, पार करके जा सकती है। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, क्यों, क्योंकि पारगम्य है साथ में कैसे, चयनात्मक। चयनात्मक मतलब कुछ को जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। तो जिनको नहीं जाने दे रही, क्या उनके लिए पारगम्य हुई, क्या नहीं हुई। तो इस पारगम्य बोलने के बजाय ज़्यादा उचित क्या रहेगा, इसको अपन क्या बोले, अर्ध पारगम्य का मतलब ये कुछ को जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। तो अगर आपको कोशिका झिल्ली के बारे में पता करना हो कि इसकी कैसी होती है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हमने PLLP बता दी। दूसरा, ये इसका गुण कैसा होता है, ये अर्ध पारगम्य तथा चयनात्मक होती है, और यहाँ पर प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो रास्ता प्रदान करते हैं विभिन्न अणुओं को आने जाने के लिए, इस तरह से। आगे अपन बात करते हैं थोड़ी और,
साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म को समझना दोस्तों, साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म के लिए अपन बात करते हैं थोड़ी सी कि कोशिका है ये, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये तो है न्यूक्लियस या केंद्रक, और ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखना, ये जैसे कोशिका है तो यहाँ पर बहुत सारा द्रव्य होता है, इस द्रव्य को अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, जिसको अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर क्या पढ़ना है अपने को? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर मान लो गोल्जी बॉडी है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सारे के सारे कोशिकांग कहाँ हैं? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म पढ़ना मतलब कि सारे के सारे कोशिकांगों को पढ़ना। तो अपन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पढ़ेंगे? कोशिकांगों को पढ़ेंगे। जिस सबसे पहले अपन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है ये देखना, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आपके सामने है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पहली बात तो। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कोलीगर ने की थी 1880 में, और इसको नाम बेंडा ने दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दिया, खोज कोलीगर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। ये नाम शायद आपके लिए नया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखना है, ये कोशिका का शक्ति ग्रह है। शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस। पावर हाउस, व्हाट इज पावर हाउस? जहां पर पावर यानी कि एनर्जी उत्पन्न की जाती है उसको पावर हाउस बोलेंगे। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। किस रूप में? एटीपी। एटीपी क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा क्या मतलब? आज आप मार्केट में जाते हो कोई सामान लेने, तो आपको पैसा करना होता है, पे करना होता है, खर्च करना होता है। बिना पैसे के अपन कुछ भी काम नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे शरीर में विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उपापचयी क्रियाएं चलती है, तो हर उपापचयी क्रिया में एटीपी खर्च करना होता है, यानी ऊर्जा खर्च करनी होती है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है, इसीलिए यह शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। ओके, तो एटीपी का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होना चाहिए, एडिनोसिन। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म होती है। ओके, इसके बाद देखना, एटीपी की फुल फॉर्म के बाद यहाँ पर एटीपी का उत्पादन कहाँ किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर अपन देख ले तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। ये दोहरी झिल्ली युक्त, कैसी है माइटोकॉन्ड्रिया? दोहरी झिल्ली युक्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, कौन से एकल झिल्ली वाले होते हैं, कौन से झिल्ली रहित होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली। इसकी बाहर की झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर की झिल्ली इनर मेम्ब्रेन, जिसको बाह्य झिल्ली हिंदी में कहेंगे बाह्य झिल्ली, और इंग्लिश में कहेंगे आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। इसके बाद देखना, इसके अंदर का जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसको अपन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इट मैट्रिक्स के अंदर आपको लिपिड मिलेगा, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको आरएनए मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आरएनए होता है, ये अच्छी बात पता चली। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है दोस्तों? आरएनए होता है। कितना होता है? 0.5% आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ध्यान रखना, इसके अंदर जो होता है ना, एक वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है खुद का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, किसी कोशिकांग के पास खुद का डीएनए नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके खुद के लिए प्रोटीन, कुछ प्रोटीन बना सकती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्त अंग यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। अर्ध स्वायत्त का क्या मतलब है? मान लो आज माइटोकॉन्ड्रिया में कोई अभिक्रिया करानी है, पूर्ण करानी, किसी एंजाइम की जरूरत पड़ी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए है, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कर करके एमआरएनए बनाएगा, और वो एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बन जाएगी। कुल मिला के माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन की जरूरत हुई और माइटोकॉन्ड्रिया ने खुद की प्रोटीन बना ली। इसका मतलब ये खुद का काम खुद देख रही है। लेकिन ये सारी प्रोटीन खुद नहीं बना सकती, कुछ प्रोटीन के लिए केंद्रक वाले डीएनए पर निर्भर है, तो आधा खुद बना रही है, आधा केंद्रक से ले ली, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अर्ध स्वायत्त अंग बोलेंगे। ध्यान रखना, पूछा जाए कितने अंग अर्ध स्वायत्त है, तो दो अंग अर्ध स्वायत्त होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी अर्ध स्वायत्त है और क्लोरोप्लास्ट भी अर्ध स्वायत्त है। हाल ही में पीटीटी का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया है कि किसके अंदर खुद का डीएनए होता है शायद, तो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। ऑप्शन क्या था मेरे को पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ किसके अंदर खुद का डीएनए होता है। केंद्र के पास खुद का डीएनए, पहली बात तो ये आज पता चला, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपन पढ़ेंगे खुद का डीएनए होगा, तो इन तीनों के पास खुद का डीएनए। तो क्वेश्चन आ गया, किसमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उपरोक्त सभी। तो उसमें उपरोक्त सभी टिक करना पड़ेगा, क्योंकि इन सबके पास खुद का डीएनए मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, जहां पर
ये जो राइबोसोम होंगे ये 70S राइबोसोम होंगे, ओके। ये 70S 80S क्या होता है, राइबोसोम पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इसके अंदर देखना, जैसे अंदर की जो सतह ने जो अंदर की तरफ बन रही है इनको अपन क्रिस्टी कहते हैं, जो अंदर की तरफ उंगली जैसी संरचना बन रही है ना इनको अपन क्रिस्टी कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टी प्लांट्स में कहेंगे और क्रिस्टी अपन एनिमल्स में कहेंगे और प्लांट्स में इसको ट्यूबुल्स कहेंगे। कोई बात नहीं, दोनों में क्रिस्टी कह सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टी के ऊपर इस तरह से बहुत सारे दाने दाने बने होते हैं जो मैं पेन से बना रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर बने थे लेकिन इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने हटा दिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्रिस्टी के ऊपर इस तरह से बहुत सारे दाने दाने होते हैं। ये दाने दाने जो होते हैं ये एफ नोड एफ वन पार्टिकल है, इनको एफ नोड एफ वन पार्टिकल कहते हैं, यानी कि एफ नोड एफ वन कण। हिंदी में क्या बोलेंगे, एफ नोड एफ वन कण। ये कण क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पादन होती है इनकी वजह से होती है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये वास्तव में एटीपीएज एंजाइम है। क्या है ये, एटीपीएज एंजाइम, यानी कि इन्हीं की वजह से एटीपी उत्पन्न होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो सभी के अंदर अलग अलग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत के हिसाब से अलग अलग कोशिका के अंदर अलग अलग संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जैसे जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, शुक्राणु के अंदर देखा जाए तो शुक्राणु के अंदर 24 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कितने, लगभग 24 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और एक स्प्रिंग जैसी सर्पिल शेप में होते हैं, इस आकार में होते हैं, इसको निबेन कर्ण शीत कहा जाता है एक शुक्राणु के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगला। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं दोस्तों, जैसे देखना ना मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, मैं जैसे जैसे कोशिकाओं पढ़ाता जाऊँगा मैं सबकी खोज और सबके नाम किसने दिया नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जिनका जिनका बता रहा हूँ कि इसकी खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया, उनका आप रट लेना, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। जिनका छोड़ रहा हूँ उस पर लोड मत लेना। क्यों, इसका एक राज की बात है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं ये मैं बता नहीं सकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन में आना जरूर बताऊँगा इसका रीज़न। हाँ, आगे देखना, अपन बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड जिसको हिंदी में लवक कहा जाता है, लवक, प्लास्टिड जो होते हैं क्या होते हैं, लवक तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के लवक होते हैं। और दूसरी बात, ये प्लास्टिड जो होंगे ना ये पादपों में होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो पादप जंतु दोनों में होंगी, ये ज़्यादातर पादपों में होते हैं। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं हरित लवक, इसको कहते हैं वर्णी लवक, और इसको कहते हैं अवर्णी लवक। तो इनमें क्या फर्क होता है देखना, हरित लवक इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। हरित लवक में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, पिगमेंट यानी कि वर्णक पाया जाएगा। इस क्लोरोफिल की वजह से ये हरे रंग का होगा, कैसा होगा, हरा, इसलिए मैं हरा लिख रहा हूँ। ये हरित लवक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, बोल सकते हैं अपन हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है इसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण। तो पूछा जाए पादप के किस भाग में या किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो कोशिकांग इसके अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण। सेकेंड नंबर पर अपन देखते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णी लवक कहते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें भी वर्णक, वर्णी लवक का मतलब इसमें वर्णक होंगे, वर्णक का मतलब पिगमेंट जिनकी वजह से कलर आता है, तो इसमें भी वर्णक होंगे लेकिन क्लोरोफिल को छोड़ करके वर्णक होंगे, तो इसमें क्लोरोफिल को छोड़कर अन्य वर्णक होंगे, क्योंकि अगर क्लोरोफिल हुआ तो फिर इसको क्लोरोप्लास्ट ही बोल देंगे ना, तो अन्य वर्णक होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अच्छे राज की बात में लिख सकते हैं इनको। एग्जांपल क्या है, जैसे आप बात करते हो गाजर, तो गाजर जो होती है, आपने गाजर का रंग देख रखा है, ऐसा रंग किस वजह से होता है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है गाजर में, बीटा कैरोटीन। तो पूछा जाए गाजर में कौन सा वर्णक होता है, बीटा कैरोटीन होता है। जैसे आप बात करते हो टमाटर की, टमाटर का रंग आपने देख रखा है, इसका रंग किस वर्णक की वजह से होता है, तो इस टमाटर के अंदर आप देख सकते हो लाइकोपीन वर्णक होता है। कौन सा होता है, लाइकोपीन होता है। तो इस तरह से आप इन वर्णकों का ध्यान रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, गाजर टमाटर का वर्णक ध्यान रखना। जैसे मिर्च जो होती है इसमें कैपेसिथीन वर्णक होता है, और लिखना चाहें तो इन वर्णकों की वजह से अलग अलग रंग आते हैं। दो बातें हो गई क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट की, तीसरी अपन बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है,
ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें कोई वर्णक नहीं होता, इसमें कोई वर्णक नहीं होता, इसका मतलब इसमें कोई रंग भी नहीं होता है। ये ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानकारी। अब ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह के होते हैं, कौन सा किसमें होता है, कौन सा प्रोटीन स्टोर करता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, कौन सा फैट स्टोर करता है, ये फिर कभी डिटेल से पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ पर आपको ये वर्णक प्लास्टिड के बारे में इतना ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। आगे देखना दोस्तों, इतना जान लिया हो तो अपन देखते हैं, बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि क्रोमो और ल्यूको को डिटेल से नहीं पढ़ना होता, क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से पढ़ना होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा डिटेल से देखते हैं, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। अब देखना क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, तो मैं आपको इसकी 3D स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, 3D स्ट्रक्चर त्रिविम संरचना दिखा रहा हूँ। तो देखना आपको ये देखना 3D स्ट्रक्चर में, ये बाहर ये हरे कलर की जो नजर आ रही है ये इसकी बाह्य झिल्ली यानी कि आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है ये? इसकी आउटर मेम्ब्रेन, जिसको अपन कहेंगे बाह्य झिल्ली है, ये बाह्य झिल्ली। इसके बाद देखना अंदर की तरफ भी एक झिल्ली है, इसको इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन या फिर आंतरिक झिल्ली कहेंगे। अब देखना बाह्य झिल्ली के अंदर जो होता है लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखना इसके बाद अपन बात करते हैं आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बाद, अंदर की तरफ आप देख रहे हो कि जैसे सिक्के जमा रखे हो इस तरह से कुछ संरचना से जमी नजर आ रही है, इनको अपन ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। ओके ग्रेना, और एक जो इसको पूरे को एक को ग्रेना कहेंगे, सारे को अपन ग्रेनम कहेंगे। ये जो ग्रेनम है इन जिन संरचनाओं के जरिए जुड़े हुए, जैसे रेड रेड कलर से देखता हूँ इनके जरिए जुड़े हुए, इनको अपन इंटर ग्रेनम कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटर ग्रेनम। और इसका अंदर का जो ऐसा काला काला सा नजर आ रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर द्रव भरा होता है, जो लिक्विड होता है, तो इसको अपन इस हिस्से को अपन स्ट्रोमा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा, हिंदी में पीठिका। अब देखना इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे, तो इसके अंदर भी आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होगा, यानी खुद का DNA इसके पास भी होगा, इसके पास खुद का DNA, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट भी है अर्ध स्वायत्त अंग। ये भी कैसा है? अर्ध स्वायत्त अंग होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों ही अर्ध स्वायत्त अंग है। ये जानकारी आपने देख ली, तो इसके बाद और देखना कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन का निर्माण होता है, पादपों का जो भोजन है वो क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। तो यहाँ पर ये अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोशिका का क्या है, ये कोशिका का रसोई घर है। तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर, रसोई घर कहते हैं, रसोई घर है ना, रसोई घर को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ सेल। तो किचन ऑफ सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये अर्ध स्वायत्त अंग है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये अर्ध स्वायत्त अंग है। तीसरी बात, ये दोहरी झिल्ली युक्त है। कैसी है? दोहरी झिल्ली युक्त। चौथी बात, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल। पांचवी बात, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो ये मोटी मोटी बातें। अच्छा, इसमें RNA पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, 70 ऐसा RNA होता है। यहाँ पर DNA होता है, ये ध्यान में रखना है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है यहाँ पर। तो ये बहुत सारी बातें इसके बारे में ध्यान रखने लायक, जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमने क्लोरोप्लास्ट को जाना। इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी ड्यूवे ने। और ये रहा लाइसोसोम का डायग्राम। अच्छा देखना दोस्तों, जो जो मैं नाम बता रहा हूँ खोज के, वो नाम ध्यान में रखना, सारों के याद नहीं रखोगे चल जाएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना। ओके, खोज लाइसोसोम की डी ड्यूवे नाम के साइंटिस्ट ने की। लाइसोसोम जो होते हैं इनके अंदर देखना, जैसे एक लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिखा रहा, इस लाइसोसोम के अंदर इस तरह से लिक्विड भरा होता है, एंजाइम भरे होते हैं, जल अपघटनी एंजाइम। कौन से एंजाइम? जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। ये जल अपघटनी एंजाइम, जिनको इंग्लिश में हाइड्रोलेजेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं। ये हाइड्रोलेजेज एंजाइम क्या काम करते हैं? हाइड्रोलेजेज एंजाइम जो होते हैं, ये प्रोटीन, ये लिपिड, ये फैट, इन सब का, सॉरी, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इनका क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं, यानी ये पचाने वाले एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। तो देखना जैसे डायग्राम दिख रहा है ये आपको, तो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल या कण होता है ये लाइसोसोम के निकट आता है, और फिर इस लाइसोसोम की झिल्ली के अंदर चला जाता है, लाइसोसोम के अंदर चला गया। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनीय एंजाइम होंगे जो इसका पाचन कर देंगे, और कोई अपशिष्ट बनता है तो इसको फिर से वापस बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से क्या करते हैं? पाचन का काम करते हैं। तो ये किसका काम कर रहे हैं? लाइसोसोम पाचन का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम मौजूद है ना, जल अपघटनीय एंजाइम। तो ये किसका पाचन करते हैं? कोई भी पदार्थ जो कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है, अगर कोई बैक्टीरिया आ गया तो उस बैक्टीरिया को भी पचा देंगे। अगर कोई और, मान लो ऐसा कोई कण आ गया
तो इस ठोस कण को पचा देंगे। कोई द्रव पार्टिकल आ रहा है तो ये पिनोसाइटोसिस की क्रिया जरा सेल के अंदर आ रहा है तो उसको भी लेकर के पचा लेंगे। तो कुल मिला के पचाने का काम कर रहे हैं। अब देखना, मान लो कि कोई बैक्टीरिया आया या फिर सेल का कोई खुद का कोशिकांग बीमार हो गया, खराब हो गया, तो इसको पचा देंगे। तो एक तरीके से कोशिका की सफाई कर रहे हैं, तो इसको कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। स्कैवेंजर ऑफ सेल, कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है, सफाई कर्मी। अच्छा, इसके अंदर सफाई कर्मी ना, इस लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। तो सोचो अगर गलती से लाइसोसोम फट गया तो क्या होगा, ये एंजाइम पूरी कोशिका में बिखर जाएगा, और ये पूरी कोशिका में बिखरा तो इसके सारे कोशिका को ही पचा देगा। मतलब एक तरह से अगर ये फटा तो पूरी कोशिका खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग, यानी कि आत्मघाती थैला, खुद को ही खत्म करने वाला आत्मघाती थैला भी इसको कहा जाता है। अगर ये फटा तो फिर ये खुद ही सुसाइड कर लेगी सेल एक तरीके से। अच्छा, इसको एटम बॉम ऑफ सेल भी कहते हैं, एटम बॉम ऑफ सेल, कोशिका का एटम बॉम भी कहा जाता है। क्यों? वही बात है, फटा तो पूरी कोशिका खत्म। लेकिन कुल मिलाकर के ये पाचन से संबंधी काम करता है, इसमें हाइड्रोलाइजेज एंजाइम पाया जाते हैं। लाइसोसोम के बारे में इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ ध्यान में रखना, ये एकल झिल्ली युक्त होता है। कैसा? एकल झिल्ली, इसमें दोहरी झिल्ली नहीं होती है, एकल झिल्ली होती है। ये लाइसोसोम की बातें हुई, कुछ और बातें करते हैं अगले कोशिकांग की। अगला कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या होता है, जैसा आपको डायग्राम नजर आता है, बीच में नजर आ रहा है ये केंद्रक है, और केंद्रक के चारों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका, ये अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। जैसे मेरे को अंतःप्रद्रवी जालिका लिखना होगा तो मैं शॉर्ट में ER लिख दूंगा। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो जो खुरदरी होगी इसको इंग्लिश में रफ बोलेंगे, और चिकनी होगी इसको इंग्लिश में स्मूथ बोलेंगे। तो एक तो होती है खुरदरी यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होगी चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER और SER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। अब देखना आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, जैसे ही आपको नजर आ रही है इसके यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको इसे पार्टिकल चिपके हुए नजर आते हैं। तो जो चिपके हुए पार्टिकल है एक्चुअल में वो राइबोसोम है। क्या है ये? राइबोसोम। तो राइबोसोम, जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम चिपक जाएंगे, खुरदरी हो जाएगी, तो उसको अपन RER बोलेंगे। तो कह सकते हैं RER के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम। लेकिन SER के ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते, इस वजह से वो चिकनी होती है। तो ये आपको मेनली ध्यान रखना है कि राइबोसोम के चिपकने की वजह से दो प्रकार की। ये मेनली प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये जो होंगे ये मेनली आपके लिपिड सिंथेसिस में भाग लेंगे, लिपिड सिंथेसिस में। ओके, ये इनके और भी बहुत सारे काम होते हैं, आपने को मोटे मोटे तौर पर यही ध्यान में रखना है RER और SER के बारे में। अब ये ध्यान में रखना है इनकी पोजीशन क्या है, केंद्रक के चारों तरफ है, केंद्रक को घेरे हुए, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ओके, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जानकारियाँ होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोहरी झिल्ली है। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं अपन राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है? तो ये रहा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होगा। कहने का मतलब प्रोटीन निर्माण में सहायक होंगे। क्या होता है एक्चुअल में, हमारा जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में DNA होता है, और DNA में एक अनुलेखन की क्रिया होती है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। उस ट्रांसक्रिप्शन के जरिए DNA एक mRNA बनाता है। mRNA जिसको फुल फॉर्म होती है मैसेंजर RNA। तो DNA से क्या बन के निकला? एक mRNA। वो mRNA जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर ये हमारा DNA है। तो DNA क्या करता है? एक mRNA बनाता है। ये रहा mRNA। ये mRNA बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और ये mRNA बनकर के केंद्रक से बाहर निकलता है, ये बाहर आ गया। जैसे ये बाहर आता है इसके आसपास राइबोसोम इकट्ठे होते हैं, और फिर ये एक प्रोटीन की चेन बनाता है। तो कुल मिला के क्या बन गई? प्रोटीन बन गई। तो DNA से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और mRNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशन होगा तभी प्रोटीन बनेगी। अब ये ट्रांसलेशन के काम में कौन सहायक होता है? ये जो राइबोसोम होता है ट्रांसलेशन के काम में सहायक है। जैसे आपको बीच में नजर आ रहा है ना, ये एक mRNA है। तो जो राइबोसोम होता है इसकी दो उप इकाई होती है, जो बड़ी वाली होती है उसको लार्ज सब यूनिट या बड़ी उप इकाई कहते हैं, बड़ी उप इकाई, और जो छोटा वाला है इसको स्मॉल सब यूनिट या छोटी उप इकाई कहते हैं। तो दो उप इकाइयों के बीच में mRNA आ जाता है, और यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन की एक चेन बन जाती है। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। ये किसका बना होगा? तो ये राइबोसोम जो होता है ये RRNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद में राइबोसोम के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि राइबोसोम कहाँ पर था। ये राइबोसोम आपको नजर आया था कहाँ पर?
माइट्रोकोंडिया के अंदर, राइबोसोम आपको नजर आया था कहाँ, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइबोसोम आपको नजर आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब हमने उसको आरईआर बोल दिया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम कोशिका में स्वतंत्र रूप से भी आपको नजर आते हैं। इसके बाहर आपको कोई झिल्ली नजर नहीं आ रही है। तो इंपॉर्टेंट बात, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झिल्ली रहित कोशिकांग। कल को क्वेश्चन आ गया ऐसे कोशिकांग का नाम बताओ जो झिल्ली रहित होता है, तो ऑप्शन में राइबोसोम हो तो टिक करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे झिल्ली रहित होते हैं, जैसे अपन तारक काय की बात कर ले सेंट्रोसोम की, तो वो भी झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ये राइबोसोम की बातें, राइबोसोम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अगर राइबोसोम को अपन देखें तो राइबोसोम मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट के अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है। ध्यान रखना है एस क्या है, एस स्वेडबर्ग इकाई है जो अवसादन की दर को मापती है, अवसादन की दर को व्यक्त करती है। जैसे मान लो आज अपन लंबाई को मीटर में व्यक्त कर रहे हैं, अपन जो है मान लो ऊंचाई को भी मीटर में व्यक्त कर रहे हैं, अपन गति को किलोमीटर, स्पीड जो होती है अपनी स्पीड को किलोमीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कर रहे हैं, तो सबका कुछ ना कुछ मात्रक है। तो राइबोसोम तो ऐसी चीज़ है जिसको आप आँख से देख नहीं सकते, लेकिन एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, तो आप एक टेस्ट ट्यूब लेकर के राइबोसोम को उसमें डाल करके फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन को घुमाते हो, तो आप उसको घुमाते हो तो उसका अवसादन कितने जो राउंड पर मिनट पर होगा वो देखा जाता है। तो जितने पर उसका अवसादन होता है वही उसका ये मान लिया जाता है। तो जिसका 70 पे हो रहा है उसको 70S और 80 पे हो रहा है उसको 80S। एस का मतलब स्वेदबर्ग इकाई, साइंटिस्ट का नाम है। तो 70S जो होंगे ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे, 70S प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यानी आदिम कोशिकाओं में पाए जाएंगे और 80S यूकैरियोटिक यानी कि विकसित कोशिकाओं में पाए जाएंगे। जो 70S राइबोसोम होता है ये दो उप इकाइयों से मिलकर के बना है, एक तो होता है 50S और होता है 30S, और यहां पर 80S की बात करें तो ये जो होता है एक 40S और एक 60S से मिलकर के बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दो उपिकाई होती है, ये बड़ी उपिकाई और ये छोटी उपिकाई, ये बड़ी उपिकाई, ये छोटी उपिकाई, जैसे आपको दिख रही है ये एक बड़ी उपिकाई है, एक छोटी उपिकाई, इस तरह से। तो ये आपने राइबोसोम के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद अपन देखते हैं अगला गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो इसके ध्यान रखना इसकी खोज केमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने की, केमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड प्लस सिल्वर सॉल्ट, ये क्या है, इसने इन चीज़ों को यूज किया और इससे इसका अभिरंजन किया था। हालांकि ये चीज़ आपके काम की नहीं है, इसको याद नहीं भी रखो तो चलेगा। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से इसको अभिरंजित किया था, तब जाके उसको गोल्जी बॉडी नजर आया था। तो गोल्जी बॉडी क्या होता है, तो जस्ट आपने देखा कि केंद्रक था, केंद्रक के बाहर इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी जो इसको चारों तरफ से लिपट के रख रखी थी। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट कर करके आगे जाकर के गोल्जी बॉडी का निर्माण करती है। तो गोल्जी बॉडी का निर्माण किससे हुआ, तो इसका निर्माण ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ। इसमें जो आपको लंबी लंबी नलियां नजर आ रही है सिस्टर्नी है, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। इसी तरह से वेसिकल्स होती हैं जो ये नजर आ रहे हैं, इनको अपन वेसिकल्स कहते हैं। ये सिस्टर्नी वेसिकल जिनको हिंदी में आशय कहा जाएगा और आशय कहा जाएगा, और ये सिस्टर्नी होती है। ओके, अब इनमें क्या होता है कि बोसों के ऊपर राइबोसोम चिपके होंगे, बोसों के ऊपर राइबोसोम नहीं चिपके होंगे, लेकिन इसमें मेन काम क्या होगा, जो प्रोटीन बनकर के तैयार होती है इसको ये पैक करके इस तरह से आगे भेजती है। तो ये प्रोटीन के पैकिंग का काम करती है, क्या काम करती है, पैकिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के पैकिंग का काम करता है कौन, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, तो आपने अगर कभी देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं बताता हूँ, इस तरह से शुक्राणु की संरचना होती है, सॉरी ये शुक्राणु की संरचना इस तरीके से, शुक्राणु की एक पूंछ होती है, ये गलत बन गई, पूरा एक जैसे होता है, ये शुक्राणु इस तरीके से और इसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। तो इसका जो अगला हिस्सा होता है, इस अगले हिस्से में इसका केंद्रक पाया जाता है, ये वाला तो है शुक्राणु का केंद्रक और ये है शुक्राणु का अगला भाग जिसको एक्रोसोम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। और इसके नीचे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और यहाँ से इसकी पूंछ शुरू होती है और ये इसकी पूंछ, एक ही मैं डबल हो रहा है, एक्चुअल में एक ही पूंछ है इसकी, एक ही है, इसको मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, ये इसकी टेल है यानी कि पूंछ है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड, एक होता है मिडल पीस और एक होता है इसका टेल। तो आप हेड के अंदर अपन देखते हैं तो हेड के अंदर केंद्रक और एक्रोसोम पाए जाते हैं। ये एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर एक्चुअल में एक लिक्विड भरा होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि शुक्राणु अंडाणु के पास जाएगा निषेचन के लिए, तो उस समय ये ये जो है ना ये वाली भित्ति गल जाएगी, ये भी गल जाएगी, एक्रोसोम से लिक्विड बाहर निकलेगा। और अंडाणु के बाहर दो परतें होती है, एक तो होती है कोरोना रेडिएटा और एक होती है जोना पेलुसिडा।
उन भित्तियों को गला देगा और अंदर का ये जो केंद्रक है ना, इस केंद्रक और बाकी के हिस्से को इस अंडाणु के अंदर भेज देगा, तब जाके निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। तो कुल मिला के एक्रोसोम नहीं होगा तो ये शुक्राणु कभी भी इस अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकता। तो एक्रोसोम का जो निर्माण होता है, इस एक्रोसोम के निर्माण में भागीदारी किसकी होती है, गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये एक्रोसोम का निर्माण करता है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, ओके, शुक्राणु के अंदर। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा और। गोल्जी बॉडी को जानने के बाद अपन जानते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है देखते हैं। ये जैसे मान लो एक कोशिका है, ये कोशिका का केंद्रक है, तो कोशिका के केंद्रक के आसपास ही आपको सेंट्रोसोम देखने को मिल जाएगा, जिसको हिंदी में कहेंगे तारक काय। सेंट्रोसोम को हिंदी में कहेंगे तारक काय। इस सेंट्रोसोम को आप जूम करके देखो, क्या करके देखो, जूम, जैसे इसमें भी इसको जूम करके दिखा रखा है, तो इसके अंदर आपको इस तरह की संरचना नजर आ रही है। तो ये सेंट्रोसोम को जूम करके देख रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है, ओके। अब देखना, तो आप ये समझ गए ये सेंट्रोसोम को हमने जूम कर रखा है तो ऐसा नजर आएगा। तो सेंट्रोसोम के अंदर आपको दो सेंट्रियोल नजर आते हैं, क्या नजर आते हैं, सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम तो क्या हो गया, तारक काय, और सेंट्रियोल क्या हो गया, इनको बोलेंगे तारक केंद्र, ये रहे तारक केंद्र। तो दो सेंट्रियोल, बहुत बार क्वेश्चन आता है सेंट्रियोल कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पर व्यवस्थित है, यानी ये परपेंडिकुलर होते हैं एट 90 डिग्री एंगल या 90 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं दोनों सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल होती है, इनकी स्ट्रक्चर अपन डिटेल वाली क्लास में जानेंगे, ओके। अब ये काम क्या आते हैं सेंट्रोसोम या तारक काय, अगर इनका प्राथमिक काम पूछे तो प्राथमिक काम ये गमन से संबंधित है, लेकिन हमारे अंदर अपन देखे कि हमारे शरीर में ज़्यादा काम क्या करते हैं, तो ये कोशिका विभाजन में सहायक है। किसमें, कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन के समय ये तर्कु तंतु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तर्कु तंतु, जिनको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और तर्कु तंतुओं से जुड़कर ही क्रोमोसोम अलग होते हैं, अलग अलग पोल या ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो ये तर्कु तंतुओं के निर्माण में सहायक है, इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, जो शुक्राणु होता है, तो अभी जस्ट मैंने शुक्राणु की स्ट्रक्चर बनाई तो उसके पीछे एक पूंछ बनाई थी, तो उसके पूंछ का जो निर्माण हो रहा है ना, ये भी सेंट्रोसोम के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि शुक्राणु की स्पर्म यानी कि शुक्राणु इसकी पूंछ बनाते, टेल बनाते, और वो टेल क्या करती है, गमन। तो शुक्राणु की पूंछ बनाते जिसकी वजह से शुक्राणु गमन कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। अच्छा, सेंट्रोसोम को जानने के बाद अपन जानते हैं नेक्स्ट वेक्यूल। वेक्यूल क्या होती है, वेक्यूल को अपन बोलेंगे रिक्तिका। रिक्तिका तो क्या होता है, वेक्यूल मेनली पादपों में पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाएगी, जंतु कोशिका में हो ना हो भरोसा नहीं, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। तारक काय जो था सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम किसमें पाया जाएगा, सेंट्रोसोम अभी जस्ट बताया था ये जंतु कोशिका में पाया जाएगा, पादप कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता, ध्यान रखना पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता, केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा। और इसी तरह से वेक्यूल की बात करें तो वेक्यूल मेनत जिसको हिंदी में रिक्तिका कहते हैं, वो मेनली क्या होती है, मेनली पादप कोशिका में पाई जाती है। ये रिक्तिका बहुत ही बड़ी होती है, इस बड़ी रिक्तिका की वजह से पादप कोशिका जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक देखो साइड में चला गया, तो केंद्रक को धकेल कर ये केंद्रक को साइड में कर देती है। तो पूछा जाए पादप कोशिकाओं का केंद्रक साइड में क्यों होता है, क्योंकि बड़ी रिक्तिका को जगह देने के लिए साइड में हो जाता है। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहा जाता है, इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट बात, रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीट का आ चुका है एक बार, तो रीट में आ चुका है, हो सकता है राजस्थान पुलिस में रिपीट हो जाए या किसी और एग्जाम में रिपीट हो जाए, ध्यान रखना। टोनोप्लास किसको कहते हैं, वेक्यूल जो होती है या रिक्तिका जो होती है उसकी झिल्ली को टोनोप्लास नाम से जाना जाता है। ये भी जो है एकल झिल्ली है, ध्यान में रखना, एकल है, सिंगल लेयर होती है। इसके अंदर जो होता है ये कोशिका का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये अपशिष्ट पदार्थ छन छन करके इस रिक्तिका के अंदर आ जाता है, तो इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये ध्यान में रखना है। जो गैस गैस वगैरह भी भरी हो सकती है उसको अपन गैस वेक्यूल या गैस रिक्तिका कहेंगे। अब देखना, इसके बाहर अगर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो ये संकुचन कर सकती है, तो उसको अपन संकुचनशील रिक्तिका कहेंगे। इसके बाहर लाइसोसोम होंगे तो पाचन करेंगे, तो उसको पाचक रिक्तिका कहेंगे, खाद्य रिक्तिका कहेंगे, ओके। तो इस वजह से ये रिक्तिका, अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ और बहुत सारे आयन भी होते हैं, आयन वगैरह, तो उस आयन की वजह से ये स्फीत हो जाती है, यानी सेल को ये टर्जिडिटी प्रदान करती है, स्फीति प्रदान करती है, कोशिका को स्फीति प्रदान करती है, ओके। ये हो गई वेक्यूल की बातें। वेक्यूल के बाद अपन जानते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियस, लास्ट, नेक्स्ट क्या है, लास्ट न्यूक्लियस। ये रही कोशिका और ये रहा कोशिका के अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस, तो ये है न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, कोशिका के केंद्र में, तो इसको जो है अपन कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कह सकते हैं, क्या, अरे कहाँ चला गया, आजा आजा, इसको कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ सेल,
कोशिका का जो होता है कंट्रोल रूम, सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो रहा है। इसकी खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ओके, अब अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर देखना आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप जूम करके देखो तो यहाँ पर ये दो भागों में होती है, मतलब दो डबल लेयर होती है। जो बाहर की होती है इसको एक्टोकैरियोथिका कहते हैं, एक्टोकैरियोथिका। और जो अंदर की लेयर होती है इसको एंडोकैरियोथिका कहते हैं, एंडोकैरियोथिका। तो एक्टोकैरियोथिका, एंडोकैरियोथिका, ये दोनों मिला करके न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलेमा। देखना ये जहाँ पर एनवलप लिखा हुआ है, न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि वो कवर या खांच जो इसको कंप्लीट करके रख रहा है। ये एनवलप जो है इसके अंदर क्या होगा, ये एनवलप के अंदर ये आपका न्यूक्लियस जो होगा ये भरा हुआ रहेगा, न्यूक्लियस एनवलप के अंदर होगा। तो इस एनवलप को अपन न्यूक्लियोलेमा कहेंगे। यहाँ पर देखना न्यूक्लियस का केंद्रक का अध्ययन, न्यूक्लियस या केंद्रक का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है? तो केंद्रक का जो अध्ययन होता है इसको अपन कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद इसके अंदर केंद्रिका होती है, इसके अंदर आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या है इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाले पार्ट में। सेल डिवीजन में अपन क्रोमोसोम को अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कोशिका विभाजन के। और इसके अंदर देखना इस तरह से न्यूक्लियर पोर नजर आ रहा है, न्यूक्लियर पोर, केंद्रकीय छिद्र होते हैं। उन केंद्रकीय छिद्रों में क्या होता है? केंद्रकीय छिद्रों से जो mRNA बनता है ना, mRNA, वो बाहर निकल के आ जाता है। mRNA बाहर निकल के आ जाता है। यहाँ पर ये DNA होगा, DNA से mRNA बनेगा और ये बाहर निकल के आ जाएगा और बाद में प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ये थी कोशिका की क्लास बिल्कुल छोट में, पूरी क्लास डिटेल से भी आएगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।